दरअसल योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, यानी वो अवस्था जो आत्मा को परमात्मा से मेल कराती है या जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। करो योग रहो निरोग, ये सिर्फ स्लोगन मात्र नहीं है बल्कि ये योग की महत्वता को भी दर्शाता है। योग करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। आधुनिक युग में तनाव और चिंता को कम करने के लिए ये रामबाण है। ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है जिससे आप स्वस्थ रह सके। भारत में योगाभ्यास की परंपरा तकरीबन 5000 साल पुरानी है। योग को शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य का अद्भुत विज्ञान माना जाता है। योग को शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य का अद्भुत विज्ञान माना जाता है। पहली बार योग दिवस भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि योग करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। वहीं कोरोना काल ने योग की महत्वता को भी और बढ़ा दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है योग का इतिहास। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार योग का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सूर्य को दिया था। जी हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार योग की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी। इसके बाद सूर्य ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया और नारद ने योग का ज्ञान पृथ्वी पर मनु को दिया था। इसके बाद पृथ्वी पर धीरे धीरे योग का प्रचार और प्रसार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कई प्रकार के योग करने की सलाह दी है। भगवद गीता में योग के 18 प्रकार बताए गए हैं। कालांतर में ऋषि मुनियों द्वारा योग का निर्वाह किया जाता रहा है और महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र नामक एक किताब लिखी है। इस किताब को लेकर मान्यता है कि ये 2200 वर्ष पहले लिखी गई थी। महर्षि पतंजलि ने योग को योग शास्त्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये भी जान लीजिए कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का दिन तय करने के पीछे की एक खास वजह है। 21 जून साल के 365 दिनों में सबसे बड़ा होता है। ये मनुष्य के दीर्घ जीवन को दर्शाता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य का तप सबसे ज्यादा प्रभावी होता है और प्रकृति की सकारात्मकता ऊर्जा सक्रिय रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।